इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। हिजाब को लेकर बयान जारी किया है। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत पेश करने की कोशिश है। स्कूलों में ड्रेस कोड लागू, सभी को पालन करना होगा। इंदर सिंह परमार के ये सब बयान बता रहे हैं हम आपको। जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश है ये। ड्रेस कोड को लेकर जल्द ही चर्चा करेंगे। छात्र यूनिफॉर्म पहन कर आए तो वही अच्छा होगा। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान है ये हिजाब को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। और विनीत पाठक इस भारत के ब्यूरो चीफ से हम बात करें, उसके पहले आप ये बयान सुनिए जो इंदर सिंह परमार ने जारी किया है। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल उस प्रदेश का विंडो में ना करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर, मैं तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे और यदि ऐसा है तो उसका हम भी कार्रवाई करेंगे। विनीत पाठक से जुड़ेंगे फोन लाइन पर। विनीत जी, इस बयान को लेकर विश्लेषण करेंगे। विनीत जी, इस हिजाब के बयान को लेकर लगातार तुल पकड़ता जा रहा है ये बयान। अब जो इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है, ये वर्ग विशेष को लेकर बयान है, अब क्या कुछ मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आएगा? ये देखिए, निश्चित तौर पर जो बयान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हिजाब पहनकर जो बच्चियां स्कूल आती हैं कहीं ना कहीं देश और प्रदेश का माहौल खराब करने की ये कोशिश है, और ये जानबूझ कर इस तरीके से इस माहौल बनाया जा रहा है। इसको लेकर साफ तौर पर शिक्षा विभाग का यह कहना है कि ड्रेस कोड लागू होगा तो सभी बच्चों में समानता का भाव आएगा, और एक गणवेश में जब बच्चे दिखते हैं तो अनुशासन की भावना भी कहीं ना कहीं उसमें जागती है। हालांकि इस बयान के बाद अब राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस ने इसका साफ तौर पर विरोध किया है, और कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये छोटी मानसिकता हुआ बयान है, किसी भी धर्म विशेष को लेकर टारगेट करना उचित नहीं है, और कहीं ना कहीं इससे समाज में एक खाई पैदा होगी। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि अगर सरकार इस निर्णय पर आगे बढ़ती है तो इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा, और किसी एक धर्म को टारगेट करने का आरोप इसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ेगा, और चूंकि पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार इस बात को लेकर द्वंद रहता है, और यही इसकी एक और कड़ी अब सामने देखने को मिल रही है। जो बयान स्कूल शिक्षा मंत्री का सामने आया है, इसके लेके साफ तौर पर कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके करने का काम ये सरकार कर रही है, और इसी को जोड़ते हुए ये पूरा निर्णय लिया गया है, जिसका कि कांग्रेस और अल्पसंख्यक समाज सभी पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। जी शुक्रिया। तो आपको राजधानी भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, हिजाब को लेकर बयान जारी किया है, और अब ये बयान राजनीतिक तुल पकड़ने वाला है। हिजाब
का बयान ऑलरेडी तुल पकड़ चुका है, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत पेश करने की कोशिश है। ये इंदर सिंह परमार का बयान है। स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, सभी को पालन करना होगा, इंदर सिंह परमार का बयान है। जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश, इंदर सिंह परमार का बयान। ड्रेस कोड को लेकर जल्द ही चर्चा करेंगे, छात्र यूनिफॉर्म पहन कर आए तो ही अच्छा होगा, हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, ऐसा इंदर सिंह परमार का ही कहना है। अब ये देखना होगा कि राजनीतिक सरगर्मी कितनी बढ़ती है इस बयान के बाद।